हुई फायरिंग के बाद पहली बार बोले सलीम खान। जाने क्या कहा सलमान को लेकर। सलमान खान के घर के बाहर 14 अप्रैल की सुबह फायरिंग हुई थी, इसके चलते उनका परिवार एकदम हिल गया था। अब इस बारे में सुपरस्टार के पिता सलीम खान ने बात की है। इंडिया टुडे से बात करते हुए सलीम खान ने उनके बेटे सलमान को धमकी देने वालों को जाहिल बताया। उन्होंने ये भी बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खान फैमिली को एक्स्ट्रा पुलिस प्रोटेक्शन दिया है। इंडिया टुडे से बात करते हुए सलीम खान ने कहा, इसमें बात करने वाली बात क्या है, ये जाहिल लोग हैं जो कहते हैं मार देंगे तब पता लगेगा, हमें एक्स्ट्रा पुलिस प्रोटेक्शन दे दिया गया है। उन्होंने हमें और हमारे दोस्तों को प्रोटेक्शन आश्वासन दिया है। अगर उन्होंने आज दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, इसका मतलब है कि वो कुछ बड़ा कर रहे हैं। सलीम खान ने ये भी बताया कि सलमान खान को उनके यूजुअल शेड्यूल पर बने रहने की हिदायत दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि ये मामला अभी पुलिस के हाथों में है, तो उन्हें पब्लिक में इस पर बात करने से मना किया गया है। 16 अप्रैल को सलमान खान और उनके परिवार से मुलाकात करने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे थे। दोनों की तस्वीरें सामने आई थी। सलमान और एकनाथ शिंदे के साथ एक्टर के पिता सलीम खान को भी देखा गया था। मुख्यमंत्री शिंदे ने सलमान खान और उनके परिवार से कुछ देर बात की। इस दौरान उन्होंने एक्टर को आश्वासन दिया था कि उन्हें और उनके परिवार की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में वो किसी भी तरह की अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटी नहीं सहेंगे, भले ही वो कोई बिश्नोई गैंग ही क्यों ना हो। 14 अप्रैल को सुबह 4:50 पे अनजान लोगों ने सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 3-4 राउंड हवाई फायरिंग की थी। दोनों शूटर बाइक से आए थे और फिर हवा में फायरिंग करके भाग गए। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की थी इन शूटर्स का कनेक्शन सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई से है।